स्वागत है आपका अल्टीमेट डिफेंस पे। तो आज हम बात करेंगे रफाल एम की, जो कि लैंड हो चुका है इंडिया के INS हंसा पे। तो INS हंसा एक इंडियन नेवी की फैसिलिटी है, जहाँ पे शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इस फैसिलिटी से जो कैरियर बोर्न एयरक्राफ्ट्स होते हैं उन्हें टेस्ट और इवेल्युएट किया जाता है। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि जो नेवी का तेजस है उसे भी इस फैसिलिटी से टेस्ट किया गया था। तो इंडियन नेवी ने 2017 में एक इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिलीज की थी 57 मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर्स के लिए। तो इसमें दो मेन कंटेंडर सामने आए थे, बोइंग का FA-18 हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट, और डसॉल्ट एविएशन का रफाल एम। तो रफाल एम इंडियन नेवी के फैसिलिटी में आ गया है और इसे इवेलुएट किया जा रहा है। इसी तरह बोइंग का FA-18 हॉर्नेट इंडियन नेवी के फैसिलिटी में मार्च 2022 को लैंड करेगा और इसे इवेलुएट किया जाएगा। और कुछ महीनों के इवेलुएशन और एनालिसिस के बाद इन कंपटीशन का विनर डिक्लेयर किया जाएगा, और जो विनर डिक्लेयर होगा यानी कि जो एयरक्राफ्ट सेलेक्ट हो जाएगा, तो उस एयरक्राफ्ट के 26 के नंबर में परचेस या लीज पे ले जाने की इंडियन नेवी की इच्छा है। तो ये 26 एयरक्राफ्ट इंडिया के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर वन यानी ISC-1 से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ISC-1 या फिर विक्रांत, इसे 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा और इसे ऑपरेशनल करने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। तो उसी दौरान ये एयरक्राफ्ट्स इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो अगर हम इन एयरक्राफ्ट्स के सर्विस की बात करें तो FA-18 हॉर्नेट US नेवी के बैकबोन एयरक्राफ्ट है, जो कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होते हैं। और रफाल एम फ्रेंच नेवी के इकलौते चार्ल्स डिगोलिस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे लॉन्च किए जाते हैं और ऑपरेट होते हैं। तो DRDO की जो लैब है ADA, तो वो भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसका नाम है ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर। तो ये ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में प्लान की गई है। तो इसका कंफर्मेशन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था वायु एरोस्पेस रिव्यू के लिए को। तो इसका जो मास प्रोडक्शन है या फिर प्रोडक्शन है वो 2031 या 2032 में शुरू कर दिया जाएगा और इसे इंडियन नेवी के सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।